हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इतनी फास्ट और इतनी स्मूथ कैसे चलती हैं? इसके पीछे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, जिसे हम मॉस्फेट कहते हैं। ये छोटा सा कंपोनेंट पावर को कंट्रोल करता है और अपनी डिवाइस को सुपर फास्ट बनाता है। आज हम इसी मॉस्फेट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि मॉस्फेट कैसे काम करता है, कैसे इसकी हम स्विचिंग कराते हैं, कितना पावर चाहिए होता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम मॉस्फेट के बारे में बात करते हैं। तो मॉस्फेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो बेसिकली एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है, मतलब जिसमें करंट जो होता है ना, बेसिकली गेट टू सोर्स वोल्टेज पे ये डिपेंड करता है। जो आईडी करंट होता है ना, जिसे हम ड्रेन करंट कहते हैं, वो बेसिकली क्या करता है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज पे ये डिपेंडेंट करता है, ड्रेन करंट, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। जबकि हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आईसी करंट होता है, जिसे हम कलेक्टर करंट कहते हैं, कलेक्टर करंट किस पे डिपेंडेंट होता है, बेस करंट पे। तो बेस करंट आप जब बढ़ाते हो तो कलेक्टर करंट में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, जो आईसी बराबर क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ आईबी, राइट। तो ये बेसिकली क्या होता है कि बेस करंट पे कलेक्टर करंट डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। जबकि हम मॉस्फेट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि ये गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट करता है, ठीक। अब मैं इसके थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेता हूं और बाद में हम इसके थोड़ा सा वर्किंग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जब हम मॉस्फेट की बात करते हैं तो इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक तो ड्रेन होता है, दूसरा गेट होता है, तीसरा जो होता है वो सोर्स होता है। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स होते हैं, राइट। अब इसके अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक मॉस्फेट लेयर यहाँ पे है, तो इसके भी तीन पिंस हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। ये तीनों पिंस आपको डेटा शीट में ही पता चल पाएगी कि कौन सी पिंस क्या है। तो जब भी आप कोई मॉस्फेट लेते हो, डिजाइन करते हो कोई सर्किट, तो आप उसके डेटा शीट को जरूर प्रेफर करो, राइट। उसी में आपको पिंस पता कर चल पाएगी। अगर आप पिंस पता करना चाहते हो लाइक मल्टीमीटर से यूज करके, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से वो चेकआउट कर लेना, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाए मॉस्फेट के बारे में, राइट। अब मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इसके टाइप जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, टाइप को डिस्कशन करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है एक इन्हेंसमेंट मोड होता है, इन्हेंसमेंट मोड, और दूसरा जो होता है वो डिप्लीशन मोड होता है, ठीक है, डिप्लीशन मोड। अब इन दोनों मोड का मैं मतलब बताता हूँ। तो ये इन्हेंसमेंट मोड में क्या होता है कि हमें जो है ना वो चैनल क्रिएट करना पड़ता है, मतलब ड्रेन टू सोर्स हमें एक पाथ क्रिएट करना पड़ता है, ताकि हमारा करंट जो है ना ड्रेन टू सोर्स फ्लो कर पाए। क्योंकि स्टार्टिंग में इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, आर इनफाइनाइट होता है। जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो ना गेट पे, तो एक चैनल क्रिएट होता है, चैनल मतलब पाथ क्रिएट होता है करंट फ्लो करने के लिए, मतलब एक तरीके से ये शॉर्ट सर्किट होता है ड्रेन टू सोर्स और करंट हमारा फ्लो करता है। तो इसमें क्या होता है, चैनल क्रिएशन, राइट, इसमें चैनल हमें बनाना पड़ता है, राइट। और जब भी डिप्लीशन मोड की बात करते हैं तो चैनल जो है ना पहले से ही क्रिएट रहता है, मतलब चैनल पहले से ही बना रहता है। अब इसके जो होते हैं ना दो टाइप्स होते हैं, इन्हेंसमेंट मोड की मैं बात करता हूं तो इसके भी दो टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एन टाइप इन्हेंसमेंट मोड और दूसरा जो होता है वो पी टाइप इन्हेंसमेंट मोड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब भी आप कोई मॉस्फेट वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप होता है, एन टाइप डिप्लीशन मोड और पी टाइप डिप्लीशन मोड, राइट। तो ये चीज होगी बेसिकली टाइप्स के बारे में। अब मैं थोड़ा सा इसके सिंबल्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि ये सिंबल्स जो होते हैं ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लाइक इन्हेंसमेंट मोड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास एक पीमॉस है। पीमॉस में क्या है कि यहाँ पे जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये एरो का सिंबल बाहर की तरफ होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जबकि एनमॉस में क्या होता है, ये सिंबल एरो का ना इनसाइड की तरफ होता है, राइट। तो ये जो ड्रेन टू सोर्स करंट दिख रहे हो ना, ड्रेन टू सोर्स एरो जो होता है वो पीमॉस होता है, और सोर्स टू ड्रेन जो एरो होता है वो एनमॉस होता है, और इसको हम बोलते हैं बॉडी डायोड,
राइट, ये बॉडी डायोड क्रिएट होता है जब हम पावर मॉस्फेट के बारे में डिस्कशन करने आते हैं। ये जो बॉडी डायोड होता है ना, इसके इसको पैरासिटिक डायोड भी बोलते हैं, जो कि रिवर्स रिकवरी टाइम्स की वजह से इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं होता। राइट, अब मैं थोड़ा सा इसके वर्किंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि ये मॉस्फेट जो है ना बेसिकली काम कैसे करता है, क्या है इसकी वर्किंग। तो अगर मैं बात करता हूँ, इस ग्राफ में देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक इसका जो होता है ना थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जिसे हम VTH बोलते हैं। राइट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज होता है जिसको हम गेट वोल्टेज पे अप्लाई करेंगे तभी हमारा जो मॉस्फेट है ना वो टर्न ऑन होगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब ये मिनिमम वोल्टेज हमें अप्लाई ही करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो करंट है ना वो स्टार्ट हो जाए, यहाँ से यहाँ फ्लो करना, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसे बोलते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि ये जो है एक मिनिमम वोल्टेज है, इस मिनिमम वोल्टेज के ऊपर आप जैसे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो VGS की वैल्यू, VGS की वैल्यू, तो ये क्या होगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, ये ड्रेन करंट है, ये VGS मतलब गेट सोर्स वोल्टेज है। राइट, VGS का मतलब क्या हो गया, VGS इज इक्वल टू लाइक VG माइनस VS, VG मतलब ये गेट वोल्टेज हो गया और ये जो है सोर्स टर्मिनल हो गया, तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ का डिफरेंस जो होता है ना वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारा करंट स्टार्ट होता है फ्लो करना। राइट, इसीलिए हम इसको वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं, क्योंकि इसका जो करंट है ना वो गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट करता है। VG इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं VGCS। राइट, और ये अगर मैं मॉस्फेट की बात करता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है, इसकी स्विचिंग हम फास्ट करा सकते हो, इसमें पावर लॉसेस कम होते हैं, तो इसलिए हम जो है ना ये मॉस्फेट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आगे मैं इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो इसके एक यहाँ पे सिंपल सी सर्किट मैंने ले रखा ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। राइट, जब हम मॉस्फेट की बात करते हो तो यहाँ पे मॉस्फेट पे ना गेट टर्मिनल पे एक मेटल ऑक्साइड जो होता है एक इंसुलेटर होता है, मतलब आप गेट करंट जो होता है ना IG जिसे हम बोलते हैं वो बेसिकली जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे ना एक सेमी इंसुलेटर लगा रहता है गेट टर्मिनल पे, तो ये करंट जो होता है बेसिकली ये जीरो होता है। राइट, अब मैं NMOS को NMOS के बारे में ही डिस्कस करता हूँ, NMOS के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया। राइट, और ये जो होता है ना हमारा ये मॉस्फेट टर्न ऑन हो गया, जैसे मॉस्फेट टर्न ऑन हो जाएगा हमारा करंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। राइट, यहां से करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना और ये हम इसको ये जो लैंप है ये ग्लो करने लगेगा। राइट, तो बेसिकली जब मॉस्फेट टर्न ऑन होता है ना तो उसमें क्या होता है कि इसका जो है ना एक RDS बनता है जिसे हम टर्न ऑन रेजिस्टेंस करते हैं, RDS ऑन कहते हैं। राइट, RDS ऑन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो भी करंट फ्लो करेगा उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो IDMultiply with RDS ऑन। राइट, जब ये कंडक्शन मोड में काम करता है, कंडक्शन मोड मतलब करंट फ्लो कर रहा है, जब हम कंटिन्यूस करंट फ्लो करवा रहे हैं, जब स्विचिंग नहीं करवा रहे हैं, स्विचिंग के बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसकी वजह से हमारा मॉस्फेट जो है ना वो गर्म होता है। अगर ज़्यादा आप यहाँ से करंट ड्रॉ करवाओगे तो हमारा मॉस्फेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है ना कि हमें हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मॉस्फेट बहुत ज़्यादा हीट सिंक की हमें नीड पड़ती है जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। राइट, अब बात ये होती है कि हम कौन सा मॉस्फेट सेलेक्ट करते हैं, लाइक NMOS हो गया मेरे पास, ये PMOS हो गया, तो हम प्रेफर कौन सा करते हैं, तो जनरली हम NMOS को प्रेफर करते हैं। NMOS को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसका RDS ऑन जो होता है ना, RDS ऑन जो होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू PMOS। राइट, और इसमें जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की साइज होती है ये बेसिकली NMOS का मतलब होता है कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो साइज होती है वो कम होती है और स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि NMOS को प्रेफर करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा चीप होता है एज कंपेरिजन टू PMOS, तो इसलिए हम NMOS को ही हमेशा ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, लेकिन हाई साइड स्विचिंग के लिए हम क्या करते हैं PMOS का यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो ये बेसिकली हो गया MOSFET कैसे काम करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिमुलेट करके दिखाता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो आपने करंट अप्लाई किया, कंटिन्यूस मोड में हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे करंट अपने बीजी मतलब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पे करंट जो जाएगा ना ये गेट पे ये करंट बेसिकली जीरो रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता है तो ये करंट जीरो होगा और यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। अब मैं आपको थोड़ा सा सिमुलेट करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे बेसिकली काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक जो है ना एक MOSFET है जिसका आप देख सकते हो नीचे जो लिखा है ना ये NMOSFET VT
थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, मतलब इससे ज्यादा आपको वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी तभी आपका मॉस्फेट जो टर्न ऑन होगा, नहीं तो मॉस्फेट जो है ऑफ रहेगा, राइट। और इसका वीजीएस जो है 2.1 वोल्ट अभी करंट में है, राइट। तो यहां पे देख सकते हो कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो आईडीएस 3.6 मिली एम्पियर आपको ये करंट दिख रहा है, राइट। तो अब क्या है कि जैसे मैंने यहां पे वोल्टेज, मैंने इसका वोल्टेज बढ़ाता हूँ, राइट। अब मैं गेट वोल्टेज 2.1 के बजाय मैं इसको 5 वोल्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट इसका फ्लो करना बढ़ गया, मतलब 40 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर गया। अब जैसे मैं फिर वोल्टेज बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने 10 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो 300 मिली एम्पियर करंट फ्लो करने लगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ना, ये मेरा जो करंट है आईडी करंट वो बढ़ते जा रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे देख सकते हो इसका थ्रेशोल्ड जो दिया है 1.5 वोल्ट दिया, तो मैं अगर 1.5 वोल्ट से नीचे करता हूँ, राइट, मान लो मैंने 1.4 वोल्ट कर दिया, 1.4 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो करंट नैनो एम्पियर में चला गया, मतलब एक तरीके से ये लीकेज करंट है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वीजीएस वोल्टेज है ना वो हमेशा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा रखना है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको जितना करंट चाहिए उतना आप गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करके आप ये जो है ना करंट फ्लो करवा सकते हो, राइट। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, मैंने मान लो यहाँ पे 4 वोल्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो पावर लॉस हो रहा है ना ये भी आपको दिख जाएगा 84.501 मिली वोट, मतलब इतना पावर लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से पावर लॉस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मतलब कंट्रोल भी कर सकते हो। तो इसीलिए मॉस्फेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने एन मॉस के बारे में लाइक डिस्कस किया। एन मॉस में क्या होता है कि जो वीजीएस की वैल्यू होता है ना, जो वीजीएस की वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, बीजीएस की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। एनमॉस की जब भी हम डिस्कस करते हैं तो ये बीजीएस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। जब आप पीमॉस की बात करते हो तो बीजीएस की वैल्यू निगेटिव मिल जाती है, राइट, निगेटिव या 0 वोल्ट, ऐसे हम बीजीएस की वैल्यू रखना पड़ता है ताकि हमारा पीमॉस जो होता है वो काम करता है, राइट। अब मैं पीमॉस का सिमुलेशन करके भी दिखा देता हूं आपको। यहां पे देख सकते हो, अब यहाँ पे जो वीजीएस कैलकुलेट करोगे ना आप, देखो वीजीएस वीजी मतलब 2.5 माइनस 3 तो कितना आएगा, माइनस 0.5 वोल्ट। तो ये आपको वीजीएस की वैल्यू निगेटिव रखनी पड़ती है तभी आपका जाके ये मॉस्फेट जो है ना वो कंडक्टिंग मोड में काम करता है, मतलब करंट फ्लो करेगा, राइट। यहाँ पे वीटी देख सकते हो 1.5 वोल्ट है, मिनिमम 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना 2.5 वोल्ट है, तो 2.5 वोल्ट अप्लाई किया आपने तो करंट फ्लो करा, तो मतलब पी मॉस में वीजीएस निगेटिव होता है जबकि एनमॉस की बात करता हूं तो पॉजिटिव होता है, राइट। यहां पे देख सकते हो 2.5 माइनस 3 वोल्ट कितना, माइनस 0.5 वोल्ट। तो इसलिए ये जो है ना करंट स्टार्ट हो गया फ्लो करना, राइट। अब सेम चीज इसमें भी होता है, आप इसमें वोल्टेज बढ़ा दो, अगर आप वोल्टेज बढ़ा देते हो लाइक अभी मैं डिस्कस करता हूं, अगर वोल्टेज बढ़ाते हो आप तो देख सकते हो यहां पे, एक सेकंड मैं क्या करता हूं, देख रहे हो 10 वोल्ट जब मैंने किया मतलब 5 वोल्ट किया तो ये करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि वीजीएस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये जो है ये पीमॉस है, तो पीमॉस में वीजीएस की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो 2 पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए करंट नहीं फ्लो कर रहा है, वीजीएस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई जबकि पीमॉस में वीजीएस की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए और एनमॉस में वीजीएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, इसकी वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ, राइट, मैं 1 वोल्ट कर देता हूं तो करंट देखोगे आप ज्यादा फ्लो करेगा, राइट। यहां पे देख सकते हो करंट फ्लो कर गया, 80 मिली एम्पियर करंट फ्लो करने लगा। अगर मैं इसको और कम करता हूं, मिली एम्पियर करंट फ्लो करने लगा, तो मैं जैसे जैसे मैं बीजीएस की वैल्यू नेगेटिव में लेके जाऊंगा उतना ज्यादा मुझे करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पीमॉस और एनमॉस के बारे में मैंने आपको डिटेलिंग कर दिया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर से मुझे मैसेज करें, राइट। अब मैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट लाइक पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करता हूं कि जब भी आप कोई मॉस्फेट देखते हो तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, मतलब आप कोई भी मॉस्फेट ऐसे थोड़ी ना सेलेक्ट कर लोगे, हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है कुछ भी सेलेक्ट कर लो, आपको एक प्रॉपर लाइक मॉस्फेट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है जिसका आरडीएस जो ऑन होता है, जिसे हम आरडीएस ऑन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो आरडीएस ऑन है वो 3 मिली ओम दे रखा है, राइट, 3 मिली ओम 10 वोल्ट मैक्सिमम। और यहाँ पे जो बीडी जो ड्रेन वोल्टेज आप कितना अप्लाई कर सकते हो, 60 वोल्ट यहाँ पे ड्रेन वोल्ट अप्लाई कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये मॉस्फेट खराब हो जाएगा। और आरडीएस ऑन हमें बहुत मिनिमम सेलेक्ट करनी पड़ती है ताकि हमारा जो पावर लॉस होता है
क्योंकि पावर लॉस कैलकुलेट करने का अगर मैं तरीका बताता हूँ, तो आरडीएस ऑन मल्टीप्लाई विथ करंट, तो अगर मैं ये बहुत कम रखना पड़ता था कि हमारा जो पावर लॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम हो, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बी मल्टीप्लाई विथ आई, तो पावर यहीं से कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें आरडीएस ऑन जो होगा मॉस्फेट का वो कम होना चाहिए, ठीक है। बाकी गेट टू सोर्स वोल्टेज आप कितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो, 20 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, ड्रेन टू सोर्स 60 वोल्ट अप्लाई कर सकते हो, राइट। कंटिन्यूअस करंट कितना फ्लो करवा सकते हो, 220 मिली एम्पियर करंट आप मैक्सिमम फ्लो करवा सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप करंट जाओगे तो आपका मॉस्फेट जो है ना वो खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे, गर्म होकर खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। पावर डिसिपेशन कितना मैक्सिमम पावर डिसिपेट करा सकते हो, 283 वॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पल्स, एक पल्स कितने 10 माइक्रो सेकेंड का पल्स आप, इतने 660 एम्पियर का पल्स आप दे सकते हो, राइट। तो इम्पोर्टेंट ये पैरामीटर्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है, राइट, ठीक है। अब इसके जो है कुछ और लाइक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हम ड्रेन टू सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। इतना से ज़्यादा वोल्टेज आप नहीं ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो है मॉस्फेट खराब हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जब हम स्विचिंग की बात करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस, टोटल गेट चार्ज, ये सब के बारे में आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब मैं स्विचिंग आपको बताऊंगा तो फिर से आपको इस पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। अभी कंटिन्यूअस की मैं बात करता हूँ। तो इतने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको देखना है कि कितना मैक्सिमम करंट आप ले सकते हो, कितना आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होना चाहिए, कितना गेट टू सोर्स वोल्टेज होना चाहिए, कितना आरडीएस ऑन होना चाहिए, आरडीएस ऑन हमें मिनिमम रखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी जब आप मॉस्फेट के बारे में बात करते हो, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं पावर मॉस्फेट के बारे में, स्विचिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, गेट ड्राइवर आईसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्यों उसकी गेट ड्राइवर आईसी से ही हम स्विचिंग कराते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।